शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, अगर आप ये केस जीत जाएंगे तो मैं आपको 30% कमीशन दूंगा। इतना ही नहीं सर, इस तरह के केस मेरे पास 4-5 और हैं। वो सारे केस आपको ही दूंगा सर। सुनो, ऐसे केस बहुत आते जाते हैं, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ केस कैसे करते हैं। आप मेरी बात को ठीक से समझे नहीं सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसका वो जो वकील है ना, बहुत ही होशियार है। अरे चुप करो, यहाँ पर क्या चलता है जानते हो? सिर्फ कानून चलता है, उसका आर्गुमेंट उसका और मेरा आर्गुमेंट मेरा, और ऐसे चलने से ही सभी का काम चलता है, समझे? आपने ठीक कहा, इसी तरह चलने से सबका काम चलता रहता है। ए, उतर उतर, उतर, उतरो, चलो चल। ड्रॉप करने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अरे कोर्ट तो मुझे। ए, ये तो वकील का कोर्ट है। अरे उसने अपनी बीवी के डिवोर्स के लिए दूसरे वकील का सहारा लिया था। तो फिर मेरा केस? वो तेरी बदकिस्मती है। हे ऊपर वाले। प्रोसीड। सीसी नंबर 101/2014, केस नंबर टू बी कॉल्ड सुरेश एंड रमेश। रमेश रमेश रमेश, सुरेश सुरेश सुरेश। नमस्ते सर। नमस्ते सर। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल का नाम रंगास्वामी है। आईपीसी सेक्शन 500 के तहत सुरेश और रमेश ने इन पर 20 लाख के मानहानि का केस दर्ज किया है। इस मामले के सारे एविडेंस मैंने आपके सामने पेश किए हैं। जरा उसे ध्यान से देखिए सर, सारे बिल इसके अंदर हैं और 25 लाख हैं। आपको अगर कैलकुलेटर चाहिए तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे सुनो, जरा चुप रहो, ज्यादा बात करोगे तो मामला पलट जाएगा। मैं हूं ना यहाँ पर। सॉरी योर ऑनर। माफी चाहता हूँ जज साहब। तुम्हारी पैरवी के लिए तुम्हारा कोई लॉयर है क्या? नहीं सर। फिर तुम्हारा केस कौन हैंडल करेगा? ये लड़ेंगे सर। ये मेरे वकील हैं, इनको मैंने रखा है। पैसे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। पक्ष विपक्ष की पैरवी के लिए आपकी तरफ से एक लॉयर और इनके तरफ से एक लॉयर होना ही चाहिए, पर आपकी तरफ से कोई भी नहीं है, इसलिए आप सरकारी वकील का सहारा ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे आप? हम अपना केस खुद लड़ेंगे सर। हाँ सर, दरअसल बात क्या है सर, वो हम खुद बताएंगे। अगर हमारी गलती हुई तो आप सजा दीजिएगा, नहीं तो आप हमें छोड़ दीजिएगा।
25 लाख रुपए दे दो, अभी के अभी छोड़ दूंगा। तुम्हारी कहानी कोई नहीं सुनेगा, है ना जस्सा? अगर एक भी शब्द कहा तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाऊंगा। माफी चाहता हूँ जस्सा। तो कितनी बार माफी मांगेगा, जरा चुप रहना। हाँ तो बताओ क्या हुआ था सर। 2014 फरवरी 14 को सर, उस दिन मैं और रमेश दादी एक बुके दीजिए। हाँ बेटा देती हूँ। दादी माँ एक बुके देना। हाँ देती हूँ। हे रमेश। हे सुरेश। हाँ यार हाय, लव का बैटर है क्या? हाँ यार प्रपोज करने जा रहा हूँ, तेरा भी यही चक्कर है क्या? मैं भी प्रपोज करने के लिए जा रहा हूँ। ये तो कमाल की बात एक है। एक ही स्कूल में, एक ही कोचिंग में, एक ही एज है और एक ही कॉलेज, एक ही कैफे में खाना खाना और एक ही गाने पे नाचना और एक जैसा ड्रेस भी और एक ही तरह के फ्रेंड्स और एक जैसा टेस्ट भी और एक ही डे पे लव की स्टार्टिंग। क्या बात है बेटा, लव है क्या? हाँ दादी, भगवान करे तुम दोनों को एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। ये ले बेटा। थैंक यू दादी। ले बेटा। थैंक यू दादी। रमेश तेरे प्यार के लिए ऑल द बेस्ट यार। भाई तुझे भी तेरे लव के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रो। कितने सिंपल, तुम सा कहीं ना कोई होगा ब्यूटीफुल, आ गया तुम पे मेरा दिल, चेहरा है तेरा ये कितना वंडरफुल, फिर भी हो कितने सिंपल। कितनी प्यारी खूबी है तुझ में सारी, मुस्कुराहट पे तेरी हुआ मैं फिदा, प्यार की तू कहानी सपनों की तू है रानी, आया तेरे लिए ही मैं तो यहाँ, तेरी ही बातें मैं अब हर पल करूं, जाने क्या अब ये हुआ है मुझे, ये रास्ते ये वादियां ये फिजाएं। सोचा करूं तुझको ही देखा करूं, हर चेहरे में जाना मक्स है तेरा, मेरे तो दिल में है बस अब चाह तेरी, सांसों में मेरी तू ही बसी, ये नजारे कहते सारे कि तू ही है।
कहीं ना कोई होगा ब्यूटीफुल, आ गया तुम पे मेरा दिल, चेहरा है तेरा ये कितना वंडरफुल, फिर भी हो कितने सिंपल। तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज। अरे चलो जाओ ना, जाओ ना प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू चांदनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसको ले लो ना प्लीज। कहाँ ना चल जा चांदनी। रमेश, रमेश क्या बात है सुरेश? आंटी रमेश है क्या? नहीं बेटा कहीं गया है, अभी आ जाएगा। ठीक है आंटी। सुरेश, सुरेश आओ बेटा। रमेश क्या बात है? अंकल सुरेश है क्या? वो तो नहीं है, बाहर गया है। आओ बैठो, मैं उसके रूम में बैठा हूँ। कॉफी नहीं पियोगे बेटा? नहीं अंकल। कहाँ गया होगा, फोन करता हूँ इसे। Thank you.
सुरेश का मिस कॉल, सुरेश का भी मिस कॉल। ये काट क्यों रहा है? इसे फोन लगाती हूँ। ये भी फोन काट रहा है। आखिर बात क्या है? अरे दोस्त, मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैसे बात क्या है? मैं जिससे प्यार करता हूँ, सुरेश भी उसी से ही करता है। अरे क्या बोल रहा है? अरे ये तो पूरा नहीं भाई, क्या हुआ? इतना क्यों पी रहा है तू? हाँ, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उससे रमेश भी प्यार करता है यार। अरे यार, ऐसा क्या हो गया? तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? hey, इस मामले में कोई मजाक करता है क्या? फिर क्यों खामोश बैठे हो? इसकी माँ की, चलो चल के पूछते हैं। मेरी माशुका से वो कैसे प्यार कर सकता है? अपने दोस्त की लवर से प्यार करता है वो। चल यार, चल के दिखाते हैं हम कौन है। एक, मारना है तो मुझे मारो, उसके बारे में कुछ मत बोलना, वो मेरा दोस्त है। दोस्त से गद्दारी करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ेंगे उसे, उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। फोन नीचे रख, बड़ा यह सबक सिखाने वाला। सुरेश है कौन? हमारा दोस्त है ना? तो फिर हम लोग कौन है? हाँ। यार तू भी फ्रेंड है, वो भी फ्रेंड है। अगर हम एक दूसरे के दोस्त हैं तो हम लड़ाई कैसे कर सकते हैं? एज ए फ्रेंड उसने मेरी कितनी मदद की है तुम जानते हो क्या? कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आधी रात को आके खड़ा हो जाता है। ए, क्या कह रहा है? उसने हेल्प किस लिए? तो अपने प्यार को भूल जाएगा? ए, अगर उसे पता होता कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो उसकी तरफ वो नजर भी नहीं उठाता। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ तो लड़की क्या चीज है? अरे साले, बड़ी कुर्बानी देने वाली बात महात्मा की तरह कर रहा है। अगर किसी ने सुन लिया तो तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ज्यादा मत बोल समझा। चाहे कोई कुछ भी सोचे, रमेश की खुशी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यार अब तो ही बता, तुझे दोस्ती चाहिए या प्यार? उसका प्यार जीतना चाहिए। देखो इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर किसी ने बोला तो सोच लेना कि क्या होगा। ठीक है भाई, समझ गए, हम किसी को नहीं बोलेंगे, तो टेंशन मत ले। कसम खाते हो? हाँ, कसम से। टाइम हो चुका है, ये फोन नहीं उठा रहा है। ए रमेश उठ बेटा, नंदिनी को ड्रॉप करने का वक्त हो गया है। फोन की रिंग कब से बज रही है? ये आजकल के बच्चे बिना सच में, क्या हो गया है इन लोगों को पता नहीं। ए रमेश, बिस्तर से उठ बेटा, आजकल हो क्या गया है तुझे? कुछ भी नहीं हुआ माँ। क्या बात है बेटा, रमेश नहीं आ रहा? क्या हुआ मुझे क्या पता, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है। ज्यादा भाव खा रहा है, एक बार हाथ लगे तो बताती। अरे बेटा उसे कुछ काम आ गया होगा इसलिए नहीं आया, थोड़ी देर रुक जा, आ जाएगा। ठीक है माँ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर रुक जा, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? अरे बस करो माँ, देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ डार्लिंग, कल तुम नहीं आई थी, कुछ खास? कल मैं माँ के साथ मंदिर गई थी। अच्छा मंदिर गई थी, कौन से मंदिर गई थी? हाय नंदिनी, आज तुम अकेले आ रही हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो लोग बॉयफ्रेंड्स नहीं है यार, जस्ट फ्रेंड्स है। अरे बॉयफ्रेंड हो या लवर हो, दोनों में से कोई एक तो अपने साथ होना चाहिए। लड़कों से पैसा खर्चा कराने में जो मजा आता है वो अपने पैसा खर्च करने में नहीं आता। करेंसी, सेरेमनी, शॉपिंग, थ्रिलिंग, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए। ठीक कहा ना डार्लिंग? ये तो गलत बात है ना, ये तो उन्हें धोखा देने वाली बात हुई। डार्लिंग मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। ये धोखा कैसे हुआ? वो हमारे पीछे ऐसे ही थोड़ी खर्च करते हैं, वो हमारे हाथ से हाथ मिलाकर अपनी बाइक के पीछे बिठाकर हीरोगिरी दिखाते हैं ना। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें एक बात पता है क्या, लड़के लड़कियों को अपने साथ रखकर फ्रेंड सर्कल में अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। वो वैल्यू उनको हमारी वजह से ही मिलती है। हाय हाय। सुनो मेरी माँ, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं ऐसी नहीं हूँ और मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं। कितनी नादान है ये। इतने दिनों तक दोस्त बनकर रहा करते थे और अब आगे से पति पत्नी बनकर रहने वाले हैं ना। अगर हमारे संबंध जुड़ गए तो प्यार अपने आप बढ़ जाएगा। आप क्या कहते हैं? पारंपरिक ढंग से उसको आशीर्वाद देना, मैं आपकी कार इस्तेमाल करूंगा, आप मेरे नाम का फायदा उठाइए, ऐसा ही सबका काम चलता रहेगा। हमारी नंदिनी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, अभी उसे और पढ़ना है। अरे उसे पढ़ने दो, पढ़ कर डिग्री लेने दो, हम कल ही शादी करने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे शादी की बात पढ़ लेगी, वैसे भी घर में बैठकर क्या करेगी? ऐसा नहीं है बहन, मेरी बेटी पढ़ेगी, पढ़ने के बाद काम पर भी जाएगी और कमाने लगेगी। लेकिन दामाद जी क्या करते हैं कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, पहले उनसे मिलाइए, बुलाइए। I am a businessman. हाँ ससुर। आमिर लाल मेरा बेटा है। मैंने कहा कि ज्यादा भाग मत कर, बिजनेस के चक्कर में भाग भाग कर थोड़ा पतला हो गया है। इस बिजनेस की भाग दौड़ में अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं निकालता है। ऐसा कौन सा बिजनेस करता है? क्या बिजनेस क्या करता हूँ, लाखों रुपया खर्चा करके वाइन स्टोर खोल रहा हूँ मैं। वाइन स्टोर?
पहले बताना चाहिए था ना भाई, किसके लिए करते हो? काम तो पूरा हो गया है, सिर्फ लाइसेंस आने की देरी है। मैं स्टोर का नाम नंदिनी वाइन स्टोर्स रखने वाला हूँ। शाबाश, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। जिस दिन तुमने वाइन शॉप शुरू कर दी ना, उसी दिन मेरी बेटी नंदिनी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट और जल्दी से शादी। आप अपनी बात पे कायम रहेंगे ना? ए, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब? मैं जुबान का पक्का हूँ, पक्का। चाय बहुत अच्छी बनी है। मस्त है। हे नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर नहीं जाना है क्या? पिक करने के लिए सुरेश आता है ना, उसी का वेट कर रही हूँ। कॉल कर लो उसे। कॉल कर रही हूँ पर वो उठा नहीं रहा, इसलिए कहती हूँ। बॉयफ्रेंड को मेंटेन करना चाहिए। ओके, सी यू, बाय। क्या हुआ, किसका फोन है? मेरा ही है। पता है फोन तेरा है, पर कॉल किसका है? नंदिनी का यार। ओ, साढ़े चार हो गए, पिकअप करने नहीं जाएगा? नहीं जाना है। ए सुरेश, ए, अरे अरे, तुम लोग इतने दिनों तक कहाँ गायब थे? कहाँ गायब थे कुछ पूछ रही हूँ? गांव में ही थे ना, या गांव छोड़कर भाग गए थे? तुम ड्रॉप करने नहीं आते, तुम पिक करने नहीं आते, फोन करती हूँ तो फोन भी नहीं उठाते। इतने दिनों से मैं कॉलेज पैदल ही आ जा रही हूँ, तुम्हें पता है क्यों नहीं आए तुम लोग? दरअसल मुझे कुछ काम था। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था। हाँ हाँ, तुम तो बहुत बड़ी पार्टी चला रहे हो ना। ठीक है अब आ ही गए हो तो चलो मुझे घर छोड़ दो। अरे नहीं नंदिनी, मेरे चाचा जी यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे उन्हें लेने के लिए जाना है, बहुत अर्जेंट है, इसलिए तुम इसके साथ चली जाओ। नहीं नहीं नंदिनी, नहीं, बस स्टॉप पे मेरा कोई इंतजार कर रहा है, उसने मुझे अर्जेंटली बुलाया है। तुम एक काम करो, तुम इसके साथ चली जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें छोड़ दो, चाचा जी वेट कर रहे होंगे मेरा। अरे यार, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे लेट हो रहा है, मेरे बड़े पापा इंतजार कर रहे हैं, तुम इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हें ड्रॉप कर दे। मेरे चाचा जी बीपी पेशेंट है यार, मुझे उन्हें लेने जाना होगा। मेरे बड़े पापा शुगर पेशेंट है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। अरे नंदिनी को तुम... अरे चुप करो, बस बहुत हुआ, बस इतना बताओ कि तुम में से कोई मुझे घर छोड़ेगा या नहीं। सॉरी नंदिनी, तुम इसके साथ चली जाओ। ठीक है। प्लीज नंदिनी, तुम इसके साथ चली जाओ। अरे रे सुरेश, अरे रमेश, ऐसे दोस्तों से तो अच्छा है ना हूँ। ऑटो। हो गया, रोड संभाल के क्रॉस करना चाहिए। मैं तो संभाल कर ही कर रही थी डॉक्टर, लेकिन वो ड्राइवर उसने ही आकर ठोक दिया। तुम्हारे साथ में कोई नहीं आया क्या? वो आएगी, घर पर आएगी, तू उसे जो बोलना चाहता है बोल देना, मैं जा रहा हूँ। रुक जरा, मैं उसे क्यों आंसर दूँ? हाँ, मेरी वजह से एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ, ठोकर उसने खाई, ठोका किसी और ने, इसमें मेरी गलती क्या है यार? सब तेरी गलती है। क्या कहा तूने? एक्सीडेंट मैंने नहीं किया है, ठोकर उसको लगी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझा? फालतू बकवास मत कर। रमेश मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? एक बार सोच के देख, नंदिनी को तूने पिकअप किया होता तो एक्सीडेंट कभी नहीं होता। तो तूने क्यों नहीं किया? तुझे तो अपने चाचा की फिक्र थी ना। तुझे भी अपने बड़े पापा की फिक्र थी। एक बात बात पे टोक मत। ए, बात बात पे टोकने वाला मैं नहीं हूँ, तू है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगा। नंदिनी को ड्रॉप और पिकअप करना तेरा काम है। तो फिर तू क्या करेगा? मैं निकल जाऊंगा। क्या कहा तूने? तू ही क्यों निकलेगा? मैं निकल जाऊंगा ना। मैं जो कह रहा हूँ वो तू कर। जो मैं कह रहा हूँ तू वो कर। कहा ना कर, तू मेरी बात सुन। Excuse me, नंदिनी के साथ कौन है? ये है। ये बिल कैश काउंटर पर भर देना। इसे दे दो। इसे दो। इसे दो। इसे दो। इसे दो। इसे दो। तू भरेगा। मैंने कह दिया ना, तू उसका फ्रेंड है, तू ही बिल भरेगा। तू 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 भरेगा। एक लड़की के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और ये दोनों है, छोटा सा बिल भरने के भी लायक नहीं है। सिस्टर, बाहर मेरे फ्रेंड्स खड़े होंगे, उन्हें बुला दीजिए प्लीज। वो लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या? अरे बिल की बात आ रही तो तुम भरो करके आपस में लड़ रहे थे। एक मिनट, मैं बुलाती हूँ उन्हें। वो लड़ रहे हैं? ऐसा इन लोगों के बीच क्या हो गया? ये लीजिए बिल। हाँ मैडम, ऑलरेडी ये बिल पे हो चुका है। एक नहीं, दो लोगों ने भरा है। दोनों ने बिल भर दिया, दोनों समझ के बाहर है। कैसे दोस्त पाल रखे हैं मैंने। क्यों चेंज कर रहा है? कुछ नहीं बाप, इसमें बहुत ज्यादा रॉन्ग कॉल्स आने लग गए हैं। क्या कहा? गाड़ी बेचनी है? तुम तो किसी भी हाल में अपनी गाड़ी नहीं बेचने वाले थे ना। मेरी कुछ मजबूरियां, इसलिए इस गाड़ी को बेच रहा हूँ मैं। गाड़ी का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है यार। यारा 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 प्यार करना यारा।
gone, love is gone. Khush hu main, my love is gone. Love is gone, love is gone. Gham na hai, my love is gone. Love ka na koi solution. Love mein ho full confusion. Koi na mujhko hai tension. Yaro, badi danger hai love ki condition. Love is gone, love is gone. Khush hu main, my love is gone. Love is gone, love is gone. Love is gone, my love is gone. Love is gone, love is gone. Mujhko ab tension na hai. ट्रॉपिक भी अब तो ना है. बाइक पे बैक सीट पे अब तो मिले फ्रीडम. फोन अब आता ना है. मैसेज भी आता ना है. कॉफी डे पे वेट करना भी अब तो खत्म. प्यार तो छीने सुकून धीरे धीरे. प्यार का ये जुनू भी जीने ना दे. प्यार ना कोई करना. प्यार ना gone, love is gone. Khush hu main, my love is gone. Love is gone, love is gone. Gham na hai, my love is कुछ भी मिलता. दिल को बस दर्द मिलता. दोस्तों के साथ में अब मैं तो खुश हूँ. लव में ना लाइफ खोना. लव में तो बस है रोना. लव तो है टाइम पास. ये आज सुन जरा ये तू. प्यार की आग से तुम ना खेलो खेलो. लाइफ है चार दिन की. जीलो जीलो. प्यार ना कोई करना. प्यार ना कोई. Love is gone, khush hu main, my love is gone. Love is gone, love is gone. Khush hu main, my love is gone. Love ka na koi solution. Love mein ho full confusion. Koi na mujhko hai tension. Yaro, koi danger hai love ki condition. ये लो, एक बात बताओ, कहाँ है तुम्हारे दोस्त सुरेश और रमेश? वो लोग, एक के पास फोन नहीं है, एक के पास बाइक नहीं है. कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता. पागल कहीं के. लगता है वो लोग तुम्हारे प्यार में पागल हो गए हैं. क्या कहा? प्यार? कुछ भी होता है वो मुझे खुलकर बताते हैं. प्यार होता तो जरूर बताते. तुमसे प्यार करते हैं ये बात वो तुमको कैसे बताएंगे? सुनो, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, वो सिर्फ दोस्त. फ्रेंड्स को लवर में नहीं बदलने का ऐसा कोई रूल है क्या? देखो पागलों जैसी बात मत करो, चलो चुपचाप. अरे रुको यार, अगर कहीं वो दोनों तुम्हें आकर प्रपोज करेंगे तो तुम क्या करोगी? किसे पसंद करोगी? तुम्हारे दादा को पसंद करूंगी, बेवकूफ कहीं की. चलो सुनिए, हमारी तरफ से ओके है, आगे बात बढ़ाइए. मैं देखता हूँ. ठीक है. देखिए श्रीमान सुरेश जी, लड़की की तरफ से सारे लोग मान गए. अच्छा, लड़की भी आपकी धर्मपत्नी बनने को राजी हो गई है. अब आपकी राय क्या है मुझे बता दीजिए, तो आगे लेन देन की बात पक्की कर लेंगे ना. क्या है कि लड़की से थोड़ा सा पर्सनल बात करनी है मुझे. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा. रुके रुके, लगता है कमीशन हाथ से जाएगा. देखिए सर,
लड़की एकदम लक्ष्मी का रूप है, सुपर है। आप उससे पर्सनल बात सुहागरात में कर लेना। अरे भाई साहब, सुहागरात में दूध फल फूल वगैरह रखा होता है तब आऊं हूं करने का वक्त नहीं मिलता। ऐसे में बातें हो पाएगी क्या? अब क्या है लड़की पर आपको डाउट है क्या? अरे पंडित जी, मुझे तो तुम पे शक है। मुझे लड़की के साथ करने दोगे या मतलब बात करने दोगे या नहीं? नहीं तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुनो भाई, बैठो बैठो। क्या हो रहा है? आखिर हम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तुम्हारे घर वाले भी ना कुछ भी बोलते हैं। वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो क्या है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन उसी लड़की से मेरा दोस्त भी प्यार करता है, और उसी वजह से उस लड़की का हाथ मैंने अपने दोस्त के हाथों में दे दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। तुम मेरा हाथ छोड़ोगी तो नहीं ना? बोलो ना, तुम मेरा हाथ छोड़ोगी तो नहीं ना? छोड़ दिया। शिट। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारा हाथ बनूंगा। अगर तुम नहीं मानोगी फिर भी मैं तुम्हें अपने दिल में बसाकर तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। तुम हाँ करोगी ना? पैर भी नहीं है क्या? छे, फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पैर बनकर रहूंगा। जब तुम प्यार से वो तीन शब्द मुझे बोलोगी ना, तो मैं खुशी से तुम्हारे प्यार में नाच उठूंगा। ये वो तीन शब्द नहीं है जो लड़की लड़के से बोलती है। मतलब तुम्हें बोलना भी नहीं आता? जुबान नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारी जुबान बनकर रहूंगा। मतलब तुम्हारी नजर में मैं भगवान के समान हूँ। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी बीवी में ऐसी क्या खास बात है, तो उन्हें मैं तुम्हारी चोटी दिखाकर गर्व से कहूंगा कि उसके बाल लंबे हैं। क्यों भाई, ऐसे लड़की के साथ कोई घर बसाएगा क्या? ना लड़की के हाथ है, ना इस लड़की के पैर है, वो गूंगी है, बोल नहीं सकती, यहाँ तक कि उसके सर पे एक बाल भी नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं? पद्मिनी नहीं तो नंदिनी, नंदिनी नहीं तो बंदिनी, बंदिनी नहीं तो शंखिनी, इनमें से कोई तो लड़की मिल जाएगी ना, उसके मिलते ही आपका रिश्ता मैं उससे पक्का कर दूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए। मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं करना है। हाय पूजा। रमेश, वाव, व्हाट अ सरप्राइज, इतने सालों के बाद तुमसे मुलाकात हुई, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। पूजा, तुम भी तो नहीं बदली हो, बिल्कुल वैसी की वैसी। तुम भी वैसे के वैसे हो। थैंक यू थैंक यू। हर किसी के लाइफ में कैलेंडर चेंज होते रहते हैं, लेकिन कैरेक्टर नहीं चेंज होते। पूजा, तुमने मुझे एक बार प्रपोज किया था ना, और मैंने तुमसे थोड़ा टाइम मांगा था, तुम्हें याद है? अरे उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन मेरे सवाल का तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ। पूजा, I love you. Do you love me? चार पांच दिन के बाद जवाब देने की बात हुई थी, तुम चार पांच साल के बाद आ रहे हो। तुम्हारे जैसा लेट लतीफ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सॉरी पूजा, थोड़ा लेट हो गया मैं, बट नाउ आई लव विद यू, यू लव विद मी। मम्मी, तुम मम्मी बन गई, इसका मतलब मेरे सवाल का जवाब। ये मेरी बेटी है उत्तरा। अरे सुन यार, मुझे रात में आना चाहिए था। गणेश ने क्या पार्टी अरेंज की थी, पार्टी में बहुत मजा आया। अरे सुन यार, आज पार्टी है ना? ए, तुम लोग शादी में आए हो या यहाँ पार्टी मनाने आए हो? भाई शादी हो जाने के बाद तो पार्टी बहुत जरूरी होती है। अरे भाई, तुम्हारी नजर से देखा जाए तो मैटर क्लोज, हमारी नजर से देखा जाए तो मैटर ओपन है। अब क्या करना है तुम डिसाइड करो। हाँ भाई, पार्टी के लिए आज मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाय गणेश। हाँ हाय यार। हाय यार, हाय यार, कांग्रेट्स यार। ये मेरा फ्रेंड सुरेश है, और ये कृष्णा है, और ये मेरा बचपन का दोस्त है, नाम लड्डू गणेश है। और यार आना, बैठ बैठ जाओ।
ये सब ना मेरे दोस्त आए। और बता, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। और शादी की तैयारी में कुछ अड़चन तो नहीं आई? उस दिन बुलाने पर आए क्यों नहीं यार? अरे अब क्या बताऊँ, बहुत बिजी था मैं। और यार अभी सुनो, मेरी क्लासमेट उमा शादी में आई तो होगी ना? अरे वो गुणवंती की क्लोज फ्रेंड है, 100% आई होगी भाई। बताइए, बैठिए ना। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पहले से बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा से। नमस्ते अंकल। नमस्ते, आप उमा के पिताजी है ना? मैं नहीं बेटा, वो तो ये है। नमस्ते अंकल। आप कौन हो? मैं उसका दोस्त हूँ। उमा भी आई है क्या? अरे उस तरफ होगी कहीं। कोई अच्छी लड़की दिखाई नहीं दे रही है यार। यह है शंखिनी, यह बंदिनी, यह नंदिनी। क्या यार, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चल उस तरफ देखे क्या। अबे तुझे पता है, अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी ना तो मैं आज ही उसे प्रपोज कर दूंगा। ओल्ड इज गोल्ड, तू जरूर जीतेगा। अबे वो उमा है ना? हाँ यार, ये तो वही है। उमा। मैं उमा नहीं सुमा। तो तुम साइड हो जाओ ना। उमा, हाय। रमेश। उमा तो दादी माँ की तरह हो गई है। अच्छे तो हो ना तुम दोनों। हाँ? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मैं भी अच्छा हूँ। वैसे तुमने शादी की? नहीं नहीं, और तुमने की? मेरी शादी हो चुकी है। वैसे मैंने अपने बेटे का नाम रमेश रखा है तुम्हारे नाम से। और मेरी बेटी का नाम है दिव्या, वो ना मेरे पति ने रखा है। तो इसके पति के दिव्या के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा तो माँ जी, मैं चलता हूँ। अरे तुम्हारा रमेश रो रहा है, जाकर उसे चुप कराओ। रमेश, जब देखो ये लड़की फोन पे ही लगी रहती है, किससे इतना बात करती है ये? इससे टाका भिड़ाना चाहिए या नहीं भिड़ाना चाहिए? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हेलो, समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा दूल्हा भाग गया क्या? सच में दूल्हा भाग गया? हाय 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 भगवान, इसने तो मेरे सर पे बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया। इस मंडप में आज तक किसी ने ऐसी शादी नहीं की होगी। कितनी अच्छी सजावट की है, क्या क्या सोचा था। 80 लाख रुपए दिया था मैंने, मुहूर्त के लिए बस 7 मिनट बाकी थे, भाग गया वो। अब क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान। मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? अरे बेटी, अब तुमसे शादी कौन करेगा? भगवान, ये हमारे साथ क्या अनर्थ हो गया। मंगलसूत्र बांधने से पहले ही मर गया। हे भगवान, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी भगवान? कोई पुण्यात्मा, कोई महापुरुष है यहाँ पर जो यहाँ के मेरी बेटी का हाथ थामे? मैं हाथ थामूंगा इसका। मैं हूँ ना, मैं शादी करूंगा, मैं इसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। हट जाओ, मैं इसे शादी करूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। अंकल जी मुझे मौका दीजिए, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा। प्लीज अंकल जी, मैं तुमसे शादी करने को तैयार। मैं इससे शादी करूंगा, तुम मेरी हो। अंकल, अंकल मेरी बात सुनिए। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं सच कह रहा हूँ आंटी। अंकल जी मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। आंटी मैं इंजीनियर हूँ, अगर आपने इससे मेरी शादी करवा दी तो मैं इसे पलकों पे बिठा के रखूंगा। मैं इस इंजीनियर को काम देने वाला बिल्डर हूँ, मैं आपकी बेटी को फूलों के सेज पे सुलाऊंगा। आंटी आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आकाश के तारों को आपकी बेटी के कदमों में लगा के रखूंगा। अंकल मुझे एक मौका दीजिए, मैं आसमान के सारे तारे तोड़ कर लाऊंगा और आपकी बेटी को उसका नेकलेस पहनाऊंगा। अंकल अंकल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी बेटी ने जो भी पहने बस इसी एक कपड़े में उसे मेरे साथ मेरे घर भेज दीजिए, मैं उसे बहुत खुश हो जाऊंगी। आप बिना कपड़ों के भेज दीजिए, मैं फिर भी एडजस्ट कर लूंगा। आंटी मेरी हो, तुम मुझसे शादी करूंगी। अरे दमाद जी तुम कहाँ चले गए थे? दमाद जी सुबह से 49 बार जा चुका हूँ मैं, अगर 50वां पूरा हो जाता तो शादी से पहले ही हाफ सेंचुरी हो जाती, इसलिए डॉक्टर के पास गया था इंजेक्शन लगवाने के लिए। अगर 1 सेकंड भी लेट आते तो ये लोग मेरी बेटी को लेकर भाग जाते। ये लोग क्या? सुनिए, मुहूर्त निकल जाएगा, मंगलसूत्र कौन पहनाएगा इसका फैसला कर लीजिए। मैं फैसला करता हूँ। इधर आओ रे,
अरे आओ ना, मैं नहीं किया था। अबे आओ, नहीं नहीं मैं नहीं, मेरी होने वाली पत्नी से तुम लोग शादी करोगे? हाँ तुम्हारी तो, उन्हें अंदर आने मत दो ना, मेरी पत्नी से शादी करने चले। तू किसी और से प्यार करता है ना, फिर इससे शादी क्यों करना चाहता है बोल? तू भी तो किसी से प्यार करता है ना, तो फिर तू क्यों ऐसा कर रहा था? हम लोग यहाँ आए हैं और ये लोग सत्यनारायण की पूजा में बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई इन लोगों की? क्या भाई, अभी तक शुरू नहीं किया क्या? अरे सेठ, कोई अच्छा सा गाना लगाओ के मूड बन जाए। गाना? अच्छा ठीक है, बजाता हूँ। ये लाइट भी धंधे के टाइम पे जाती है यार। क्या यार, भगवान ने हमारे लिए लाइट काटनी है, क्या सोच में बैठे? चलो पार्टी शुरू करते हैं यार। अरे चलो ना यार। लाइफ नशे में जिले तू भाई, लाइफ मजे में जिले तू भाई। वाह 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 वाह। एक पैक दारू का लगा ले तू भाई, आज नशा आज नशा तू ये चढ़ने दे भाई। शुभाश। ए चिंगूर की औलाद, शुभाश नहीं बे, शाबाश। ओके ओके। पीले यार दारू पीले, दारू 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 दारू, रंग सारा भुला दे दारू ये, प्यार को भी भुला दे दारू ये, दारू 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 पीले, आज खुल के मेरे यारा मौज ले ले संग हमारे मेरे यारा, जानी का तो दारू पी लो, धोखा मिले प्यार में तो दारू पी लो, तंदा ना ना तंदा ना 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 ना, तंदा ना ना तंदा ना 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 ना, दारू भी तो जीने का है रीजन, दारू मिटा दे हर एक टेंशन, दारू पी के यारा झूम ले तू, पी के जन्नत में घूम ले तू, बेटा अरे लवर को सहारा दे ये, जीने का फिर से इशारा दे ये, टूटे दिलों की दवा है ये, जीने की असली वजह है ये, पीले 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 खुल के पीले। पानी में कोला में आइस में सोडा में विस्की ब्रांडी वोडका रम, दुश्मन को दारू बना दे फ्रेंड, चोरिया पुलिस सबकी दारू फ्रेंड, तंदा ना ना तंदा ना 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 ना, तंदा ना 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 ना, सबके सामने शरीफ जो बनता, यहाँ छुपके दारू वो भी पीता, दारू पी के ही तो यारो मूड बनता, पी के दारू दिल की बात कहता, पीले 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 तार तकड़ धिन तकड़ धिन तकड़ धिन, ये दिल को बड़ा ही सुकून दे,
ना बेचैन मन को चैन ये दे, जीना भरा वो एक और दे। वन मोर टाइम हो गया भाई, काउंटर बंद हो गया है। वन मोर 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 पीले भियारा दारू पीले, पीले भियारा दारू पीले। So ladies and gentlemen, this is our project and we will build it up together. Are you agree with me? If you will trust me, then we will make huge progress. If you have any queries, then you can ask me and I'll make it clear. This project is for each and every Indian. That's why we will get good returns. Almost everything is over, but I'm thinking about the investment. Hello? Hey, कौन है बेतु? Idiot! तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरे पिताजी का फोन काट रहे हो? वो फोन? मेरे पिताजी के लिए बहुत खास फोन है, उसमें मेरे पिताजी के बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तुम्हें पता भी है क्या? प्यार से पूछ रही हूँ, बता दो कहाँ हो तुम? मेरे पिताजी के पुलिस कमिश्नर दोस्त हैं, एक कंप्लेन की ना तो जहाँ भी हो वहाँ से उठाकर ले जाएंगे। हेलो लिसन, तुम मुंह बंद रखो। तुम्हें पता है हर साल दशहरे के दिन हम इस फोन की खास करके पूजा करते हैं और तुमने फोन चुरा लिया, तेरी तो। हेलो हेलो, ये फोन किसका है चेक कीजिए। ओके सर, सॉरी जेंटलमैन। पापा उसने फोन काट दिया, मैं फिर से ट्राई करूंगी। छोड़ ना बेटा, अब वो फोन वापस नहीं देगा, लगता है उस फोन से उसकी किस्मत खुल गई है। मैं सच बोल रहा हूँ, बोला ना, मैं कान पर फोन लगा के बात करते हुए आ रहा था, पीछे से कोई चोर मेरा फोन छीन कर भाग गया। मैं कम से कम 2 किलोमीटर तक उसके पीछे भागा, फिर भी उसको नहीं पकड़ सका। अरे उस समय मेरे बेटे को एक फोन करना चाहिए था ना, वही आकर उसको पकड़ कर उसकी धुलाई कर देता हूँ। पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवा कर आता हूँ। ठीक है पापा। जाने वाली चीज किसी भी तरह चली जाती है। आर यू मिस्टर रंगास्वामी? हाँ मैं ही हूँ। सर आप लक्ष्य ग्रुप कंपनी के मालिक हैं क्या? या, आई एम विजय मित्तल। अरे सर मित्तल, अरे बड़े लोग पता नहीं कब कैसे आ जाते हैं। सर आइए, ए देखो देखो कौन आया है। मित्तल साहब, अरे सुनो, देखो कौन आया है, ग्रेट बिजनेस मैग्नेट विजय मित्तल जी आया है। ए चलो उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, चलो उठो उठो, जाओ यहाँ से, उधर जाओ, बोला ना जाओ यहाँ से, जाओ उधर बैठो। आइए सर, प्लीज सिट डाउन प्लीज। नंदू कौन है? नंदू मेरी बेटी है। नंदू आओ बेटी, आओ बेटी, आओ आओ। ये कौन है जानती हो तुम? कौन है? ये लीजिए आपका फोन। है? फोन? हाँ? ये फोन, ये तो मेरे पापा का है, आपके पास कैसे आया? इडियट। चोर तो नहीं मिला लेकिन ये फोन मुझे मिल गया। ओ, फोन पर बात करने वाले आप थे? सॉरी हाँ, चोर समझकर मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। इट्स ओके, मैं बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, फिर भी कभी मैंने पूजा पाठ करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आप एक मोबाइल की दशहरे के दिन अलग से पूजा करती हैं, ये कॉन्सेप्ट मुझे सच में अच्छा लगा। आई लाइक दिस वेरी मच। एंड वन मोर थिंग, आपका आपके पिता के लिए प्यार देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है। और इन बातों से बढ़कर तो आपकी स्वीट वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपसे मिलने के बाद आप भी मुझे अच्छी लगी। इफ यू डोंट माइंड, आप सभी लोगों की सहमति से मैं नंदिनी के साथ शादी करने की सोच रहा हूँ। आप इत्मीनान से सोच के बताइए, कोई जल्दी नहीं है। टेक योर ओन टाइम। दिस इज माई कार्ड, ये इधर दीजिए। बाय।
सॉरी, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आई डू व्हाट आई थिंक। अरे भाई वो आ गई भाई। ए नंदिनी रुक जा, क्या रे तू और तेरा बाप क्या नौटंकी कर रहे हो? हाँ कोई अमीर लौंडा मिल गया सोचकर मुझे रिजेक्ट करने की सोच रही है? हाँ तेरी शादी मुझसे ही होगी ये तय हो चुका है। जिसने वादा किया वो मैं नहीं, मेरे पिताजी हैं, जाकर उनसे पूछो। ए अबे रुक, ए रोज रोज तेरे लिए नए नए लड़के ढूंढ रहा है तेरा वो बाप ना, उसका तुझसे धंधा करवाने का इरादा है क्या? देख मेरे पिताजी के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो चप्पल उतार के मारूंगी। मंडप में बैठकर मुझसे शादी करेगी सोचा तो चप्पल मारने की बात कर रही है? मंडप में वो भी तुम्हारे साथ? ए मुझे मवाली कहती है तू? तेरी छोड़ो समझती क्या है तुझे मैं? कौन है मैं तू? मैं कौन हूँ ये जानना है या मारा क्यों ये जानना है? मुझे क्यों मारा? क्यों मारा ये जानना है या कैसे मारूंगा ये जानना है? मुझे ऐसे क्यों मारा? कैसे मारा तुझे ये जानना है या यहाँ कैसे मारूंगा ये जानना है? कौन है मैं तू? अबे मैं सुरेश का दोस्त हूँ। मुंह क्या देख रहा हूँ मेरा? मारो साले को। नंदिनी तुम जाओ यहां से। अरे मत कर, और कितना मारेगा? अरे लग रही है। जिसने हमें मारा वो कौन था? सुरेश का फ्रेंड बोल रहा था भाई। अबे सुरेश कौन है? जिसने हमको मारा ना भाई, उसका दोस्त है वो। भाई वो वापस आ गई है। ए, गुंडे को बुला के हमें पिटवाया, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। ए, मुझे पिटवाया, नहीं छोड़ूंगा तुझे। चांस से मार दूंगा, चांस से मार दूंगा। क्या कर रहा है? समझते क्या? मैं कौन हूँ ये जानना है या मैं किस लिए आया हूँ ये जानना है? मैं क्यों आया हूँ ये जानना है या मैं कैसे मारूंगा ये जानना है? अबे क्यों मारेगा मुझे? कैसे मारा ये जानना है या किस एंगल से तुझे मारूंगा ये जानना है? मैं रमेश का दोस्त हूँ बे। नंदिनी तुम जाओ। Hey! Oh! Oh!
कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे हॉस्पिटल के सामने तुम अनाथों की तरह पड़े हो, कौन हो तुम लोग? हम सोए नहीं है सर, मार खा के पड़े हुए हैं। वैसे किसने मारा था? पहले जिसने मारा वो सुरेश का दोस्त था सर, अभी जिसने मारा वो रमेश का दोस्त था। साफ साफ बताना किसने मारा था सर। रमेश का दोस्त और सुरेश का दोस्त सर। ये रमेश और सुरेश कौन है सर? हमें जो मार के गया ना उसका फ्रेंड है सर, आप कंप्लेंट लिखिए सर। जिसने मारा उसका नाम तक नहीं पता और कंप्लेंट की बात कर रहे हो? कंप्लेंट लिखो इनकी कंप्लेंट, पागल गए सर। जिसने मारा वो विजिटिंग कार्ड देखकर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा क्या? जाइए सर जाइए। उसको किसने मारा उसे ये बात भी नहीं पता। क्या कमाल के हो तुम दोनों, अब आइंदा से वो इस जन्म में कभी पीछा नहीं करेगा। इस खुशी में तुम्हें जो चाहिए बोलो मैं दूंगी। लड़कियों के पैसे से पार्टी करने की आदत नहीं है मेरी। तुझे क्या चाहिए बोल, मैं दूंगा। मुझे पार्टी नहीं चाहिए, मैं एक काम बोलूंगी वो करोगे? क्या चाहिए बोलो ना। उस मोटू को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, वैसे ही विजय मित्तल को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। क्या विजय मित्तल? हाँ। वो कौन है? वो कौन है? मेरे पापा ने उसे शादी के लिए हाँ कह दी है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे वो पसंद नहीं है, फिर भी मुझे शादी करनी होगी। अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मारने के लिए। उस लड़के को मारोगे? नहीं, रंगा स्वामी को। अब ये तीसरा आदमी कौन है? तुम्हारा बाप। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये दोनों मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं जज साहब, इसीलिए दोनों को उम्र कैद की सजा देकर 25 लाख हिस्से 25 लाख हिस्से फाइन लेकर मुझे 50 लाख दिलाइए, उन पैसों से मैं काम चला लूंगा। योर ऑनर, एक व्यक्ति को मारने वाला ही अपराधी नहीं है, मारने की सोचने वाला भी अपराधी है। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अगर किसी ने गलत ना किया और उसे गलत ठहराना अपराध ही होता है सर। हाँ, इस पॉइंट को भी नोट कीजिए योर ऑनर। ये क्या हो रहा है? ए, चुप बैठना, मैं हूँ ना। सो आपने इन पर हमला तो नहीं किया है ना? नहीं, इनको देख कर ही लगता है हमलावर है। नहीं योर ऑनर। ठीक है, फिर आगे बताओ क्या हुआ था। वो दरअसल उसके बाद तो उस दिन नंदिनी को प्रपोज करने वाला था ना, ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? हे, तू भी तो नंदिनी को प्रपोज करने के लिए गया था, तूने मुझसे क्यों छिपाया? ए, मैं चाहता था कि वो तुझे मिल जाए। मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने सोचा कि वो तुम्हारा लव है इसलिए मैं चुप रहा। तूने जो किया वो ठीक नहीं किया। मैंने जो भी किया ना वो सब मैंने तेरे लिए किया। सॉरी, तू और नंदिनी एक हो जाए यही मैं चाहता हूँ। मुझे कुर्बानी नहीं चाहिए। मैं भी तो वही चाहता हूँ ना यार। अबे देख, अब नौटंकी मत कर तू। नौटंकी? तेरी नजर में मेरे प्यार की कुर्बानी नौटंकी है? एए, कुर्बानी तूने नहीं दी है, मैंने दी है। मतलब मैंने तेरे प्यार के लिए अपना प्यार कुर्बान किया और उसके लिए तू मुझे ये सिला देगा क्या? एए, मैंने अपने प्यार का ना खुद कत्ल किया है। आई किल्ड माई लव, आई किल्ड माई लव। मैंने सेक्रीफाइस किया है अपनी दोस्ती के लिए। एए, जरा हाथ दे। मैंने जो सेक्रीफाइस किया उसके लिए तूने मेरे सर पे इतना बड़ा बोझ डाल दिया, ये ठीक है क्या? नहीं, मैंने अपने दोस्त के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और तू मुझे ये सिला दे रहा है उसका? बहुत अच्छे। मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। तुझे मेरी कुर्बानी की कोई कदर नहीं है, तेरे सीने में दिल ही नहीं है। मैंने अपना प्यार कुर्बान किया तेरे लिए। क्या है बार बार कुर्बानी कुर्बानी लगा रखा है? मैंने तेरे लिए उसे छोड़ दिया इसीलिए वहां कोई तीसरा आ गया। तेरे लिए उसे छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पता होता तो ऐसा नहीं करता। तू मेरा कॉलर पकड़ के मुझे धमकी दे रहा है? मेरा कॉलर छोड़ दे। मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दी लेकिन तूने मेरा प्यार किसी तीसरे आदमी को दे दिया। मुझे पता होता कि तू ऐसा करेगा तो मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता। ए, मुंह बंद कर अपना। कुर्बानी का मतलब तू जानता ही नहीं है, तेरे जैसे लोगों से बात करना ही बेकार है। जो कुर्बानी का मतलब नहीं जानता उससे बात करने का मतलब है समय की बर्बादी। अगर तुझ में हिम्मत है ना तो नंदिनी को मुझसे दूर करके दिखा। ए, तेरे पास अगर ताकत है तो नंदिनी को मुझसे छीन कर दिखा। और सुन, कान खोल कर सुन, आज के बाद नंदिनी सिर्फ मेरी है। ए, मेरी बात भी सुन ले, तू अपना रास्ता देख और मैं अपना रास्ता।
मेरी गाड़ी क्यों बेचा तूने? बोल, वो मेरी गाड़ी है, जब मर्जी होगी उसे छोड़ के जाऊंगा, जब मर्जी होगी लेके जाऊंगा। तू कौन होता बेचने वाला? मुझे मेरी गाड़ी चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। गाड़ी वापस आ सकते मेरी चाहिए और ना जान से मार दूंगा। तुझे बोला था कि गाड़ी संभाल के रखना, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी किसी और को बेचने की? खबरदार। क्या हुआ भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? गाड़ी सेल करनी है भाई। सेल करनी है? अरे कहाँ गायब हो गया, किधर गया भाई, कहाँ चला गया? माँ, माँ क्या हुआ बेटा? माँ मैंने यहाँ एक सिम कार्ड रखा था, तुमने देखा क्या? अरे पूरा कचरा भरा हुआ था, इसलिए उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। मेरे पापा ने मुझे सेकंड हैंड गाड़ी दिलाई है, अच्छी है ना? ये गाड़ी मुझे तुम दोनों की वजह से मिली है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये बताओ कलर कैसा है? बहुत अच्छी गाड़ी है। बिल्कुल घटिया है। तुमने सही कहा, मेरे पापा का सिलेक्शन है ये, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, ये ड्रेस कैसा है? बहुत अच्छी है। बहुत बेकार है। तुमने सही कहा, ये मेरी माँ का सिलेक्शन है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे टेस्ट के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। टाइम हो गया, मुझे ट्यूशन जाना है, चलो मैं चलती हूँ। मैं गाड़ी लेकर आई हूँ और तुम लोगों ने मुझसे ट्रीट भी नहीं मांगी। आज मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ तो फिर कल चलते हैं। कल मैं बहुत बिजी हूँ। कल मैं भी बिजी हूँ, जब हम तीनों फ्री रहेंगे तब मिलकर पार्टी करेंगे, ठीक है ना? चलो रास्ता छोड़ो। कबाब में हड्डी बनकर बीच में आ गया, बिन बुलाए मेहमान की तरह जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाता है। सुनो भाई, तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या? मेरी बेटी की नई गाड़ी देखकर उससे पार्टी लेने की बात कर रहे हो? जरा सोचो उसने क्या दिया है, एक कॉफी, एक चाय। तुमने जो मदद की है उसके लिए काफी है क्या? हा? क्या कहा, मदद? और क्या, 3 सालों से तुम लोग मेरी बेटी का इतना ध्यान रखते हो, अगर मैंने उसके लिए पार्टी नहीं दी तो भगवान मुझे माफ करेगा। बाहर में आने के बाद भेदभाव नहीं रखना चाहिए, यहाँ साले ससुर बराबर हैं। ए सुनो भाई, इधर आओ। अभी आया सर। तुम्हारी ब्रांड क्या है? मेरा जिन है। और मेरे लिए ब्रांडी। और मेरा वोडका। ये कौन सा ब्रांड है सर? जिन मतलब विस्की, ब्रांडी मतलब रम, वोडका मतलब वोडका। जाओ जल्दी से एक एक लेकर आओ। एक विस्की सही है ना? तुम लोग कब आकर बैठ गए? इन्हें बस शराब की सुगंध आ जाए, उसके बाद ये कहीं भी रहे खींचे चले। इन्हें बस चिकन मिल जाए तो गाली देने के बाद भी ये जाएंगे नहीं। वैसे अंकल, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या बात पूछनी है? क्या आपने नंदिनी के लिए कोई लड़का ढूंढ लिया है क्या? मेरी बेटी जवान हो गई है, किसी के साथ भाग गई तो? नंदिनी ऐसी लड़की नहीं अंकल। मुझे पता है किसी के साथ नहीं भागेगी, लेकिन तुम जैसे लड़कों का भरोसा नहीं है, इसीलिए जल्दी से उसकी शादी करवाने की सोच रहा हूँ। अंकल मैंने एक बात सुनी है। क्या बात सुनी है? नंदिनी के लिए जिस लड़के को आपने पसंद किया है वो उसे पसंद नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारे साथ उसकी शादी करवा दूं? ए वेटर,
एक हाफ बॉटल लेकर आना जल्दी। अंकल वेटर आपका रिश्तेदार है क्या? बार के अंदर आने के बाद सब मेरे रिश्तेदार हो जाते हैं। अच्छा अंकल लड़का करता क्या है? तुम जैसे हजार लोगों को पगार बांटता है वो। वो सब ठीक है, लड़का ईमानदार है ना? तुमसे बहुत अच्छा है लेकिन रमेश और सुरेश से अच्छा नहीं है। अंकल एक पैग और लीजिए ना। एक बात बताऊं, मैंने जो लड़का देखा अगर उसने कैंसिल किया तो तुम्हारे साथ शादी करा दूंगा। अंकल जी सोडा लेंगे क्या? सच बताऊं तुमको, नंदिनी ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारे साथ उसकी शादी करवा दूंगा। थैंक यू अंकल जी। कोई बात नहीं, पैक बनाओ। वेटर बिल लेकर आओ। बिल की चिंता मत करो अंकल, बिल हम दे देंगे, ये दोनों अपने जिगरी दोस्त हैं। सही बोला। ठीक है भाई, आज का मेरा कोटा हो गया। रमेश सुरेश, हाँ बोलिए अंकल। तुम दोनों को एक बात बताऊं, जिस लड़के को मैंने पसंद किया है अगर नंदिनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो तुम दोनों उसकी शादी करवा देना। क्यों पता है? तुम दोनों उसके भाई जैसे हो। अरे अरे संभल कर पियो, चलता हूँ। अरे ये किस खेत की मूली है, कभी दोस्त बोल रहा है, कभी सुरेश, कभी रमेश, लास्ट में बहन बना दिया। अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यार, मेरा नजर ही उतर गया। लवर को सिस्टर बनाकर, सिस्टर को लवर बनाकर हमारा लीवर ही खराब कर दिया। ए, इस फसाद की जड़ तुम ही लोगों, उस दिन तुम लोगों ने कसम खाई और आपस में लड़ते रहे, अब देखा बात कहां से कहां पहुंच गई। सही बोला तूने, लव के नाम पे दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए और नंदिनी भी कहीं नहीं जानी चाहिए। नंदिनी किसके साथ रहेगी आज, अभी इसी वक्त यहीं पे डिसाइड हो। नंदिनी मुझे पसंद करेगी 100%। नंदिनी मुझे पसंद करेगी 200%। मुझे पसंद करेगी, मुझे पसंद करेगी, मुझे पसंद करेगी। ससुर जी वहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं, पहले उन्हें ले जाने की सोचो। अरे बाप रे, रुको, तुम दोनों के ससुर जी सेफ हैं। नंदिनी तुम दोनों में से किसे पसंद करेगी अभी डिसाइड हो जाए। अगर तुम्हारे ससुर जी राइट में जाएंगे तो तुम्हारी होगी, लेफ्ट में जाएंगे तो तुम्हारी होगी, सीधा जाएंगे तो किसी की। एकदम करेक्ट, करेक्ट मेरे भाई। अरे डील ओके है ना? मेरे लिए ओके। और तू बता? मुझे भी डबल ओके। फॉलो मी, चलो चलो। क्या हुआ भाई, ये अंकल कहाँ चले गए? एकदम से गायब हो गए अंकल तो। ए, इस आपस के कंपटीशन में तुम दोनों में से एक के जीतने से पहले नंदिनी किसके हाथ आएगी पता नहीं। भी नहीं, नहीं, नहीं। चलिए शुरुआत करता हूँ। जरा साउंड बढ़ाओ। हमारे विनय भिलाई गांव के लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ एक कंपटीशन होने वाला है, रमेश टीम और सुरेश टीम के बीच होने वाला है। देखना यह है कि इन दोनों टीम में से कौन जीतता है। दोनों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। शुरू करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। रस्ते से मेरे हट जा तू। बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा।
याद का दे वो होता है जो होने दो अरे दो परे बम परे बम परे वा वा बम परे बम परे बम परे वा वा बम परे बम परे बम परे वा वा हे हे नाना हे 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 नाना हे 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 नाना नाना परे बम हीरो हीरो हुमा हुमा मैं हूँ सबसे आगे हीरो हीरो हुमा हुमा इस दुनिया सारी जाने बहु खिलाड़ी तू है अनाड़ी उससे पंगा ना ले तू हार है तेरी जीत है मेरे रास्ते से मेरे हे हट जा तू हे मैन धूम 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 टेल यू व्हाट तत्ती तरगड़ो वॉच मी टकिटा 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 तरगड़ो बीट मी इफ यू कैन When I say something, hey brother, listen man, do the way I do. If you wanna win as hero, never ever lose again. Tell you what, I'm the hero, say that's what the hero says. Tell you what, I'm the one to watch, stay back, oh, I'm the one to watch. Think you can beat me nowhere, I'm the hero. मैं हूँ हीरो शाऊ बशा वारी बरम अप्पा हे हे नाना हे हे नाना हे हे नाना नाना अरे बहुत दर्द हो रहा है बस 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 आराम से आराम से धीरे 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 आराम से आराम से इस तरह से साइकिल चलाओगे साइकिल तो पैर में दर्द होगा ही ना इस तरह से ही मसाज करवाओगे तो फिर क्या होगा तो घोड़े की तरह दौड़ने लगोगे अच्छा घोड़े की बात कर रही है ना 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 अरे बाप रे अबे क्या करा रहा है मसाज तो इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहा है फर्स्ट टाइम देखा था तो मजाक लग रहा था काम पर ध्यान देने की बजाय वो दोनों सोते रहते हैं ओके अरे बाप रे बाय बाय अरे बाप रे मसाज कैसी लगी मजा आया ये तो नहीं यहाँ क्या कर रहे बहुत दर्द हो रहा है कमर में आई कमर नहीं घूम रहा सामने देख अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो ए, क्या है ये चोर को पकड़ने की बजाय यहीं पर खड़े खड़े साइकिल चला रहे हो क्या गया इसे देखो मेरा बैग और पैसा सब लूट कर चला गया अरे रे मेरे बैग में कितने सारे पैसे थे सब ले गया अबे तू नंदिनी के लिए इतना नहीं कर सकता देख क्या रहा जाके पकड़ना उसको जा मेरे पैर में दर्द हो रहा है अबे तू जाके पकड़ना मेरे भी पैर में दर्द है तू जा मैं नहीं जाऊंगा तू जाके पकड़ उसे तू बस खड़े होकर डायलॉग बोल रहा है तू जा तू जा तू जा नंदिनी के साथ जा भाग रहने दो मैं खुद चली जाऊंगी आई कम ला 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 चोर सुन मेरा बैग दे मैं नहीं दूंगा क्या नाटक है ये मैंने कहा बैग दे मैंने मसा चल चल मैंने बोला बैग दे उसका बैग दिला दो क्या दे ये ले अब तुम मेरे पैसे दिला दो दे दे भाई ए ला 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 दो प्लीज ए रिको ज्यादा होशियारी मत दिखा ए देख तो ए चल भाई मत कर अरे चल चल आ जा रहा तू अबे उसको अबे छोड़ो मत अबे सुरेश जा पकड़ ले अबे सुनना भाई प्लीज पैसे तो दे दे वो तुम्हारा दोस्त है क्या नहीं वो सुरेश का फ्रेंड है मेरा नहीं मेरा फ्रेंड नहीं है ऐसे चोर तुम्हारे दोस्त है इज्जत से मेरे 2000 रुपए वापस कर दो वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें नंदिनी ये झूठ बोल रहा है वो मेरा फ्रेंड है बॉडी टच करनी होगी 500 किस भी करना होगा किस करना होगा 1200 रेट थोड़ा ज्यादा है तुम्हारा डिस्काउंट दोगी क्या तो पैकेज ले लो ना वो कितने का है होलसेल में 1000 रुपीज ये वापस कर दो मुझे
तुम्हारा पैकेज मुझे बहुत अच्छा लगा। पैकेज में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, है ना? देखो तुम मेरे बिहेवियर में भले डाउट कर लेना, लेकिन मेरे ड्रामे में डाउट कभी मत करना। मैं किसी हीरोइन से कम नहीं हूँ। ये जो मिस है, इसने अभी तक कोई मिस्टेक नहीं की। ठीक है अब तुम जाओ। ठीक है भाई, डील ओके हो गई ना? कौन सी डील? कितना? तुझे इससे क्या मतलब है? अरे मैं भी शामिल हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो ये पकड़ 100 रुपया, थोड़ा एडजस्ट कर ले। क्या चाहते हो, पुलिस में कंप्लेंट कर दूँ क्या? अच्छा ठीक है, ये भी रख ले। पता नहीं कहाँ से चला आया, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। मुझे यहाँ बुलाकर पता नहीं कहाँ चले। हाय नंदू। क्या बात है, मुझे यहाँ अर्जेंट क्यों बुलाया? मैंने गाड़ी सर्विस के लिए दी हुई है, मुझे कहीं जाना है, तो तुम्हारी गाड़ी मिल सकती है क्या? अब मैं कैसे जाऊंगी, तुम्हें रमेश से पूछना चाहिए। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ हाँ रमेश, तू कहाँ है बे? क्या हॉस्पिटल में है? क्या हो गया भाई? हाँ माँ की तबीयत ठीक नहीं है? अरे बाप रे, तू उनका ख्याल रख। नहीं मैंने ऐसे ही फोन कर लिया। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके क्या हुआ? उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया हुआ है। नंदू गाड़ी देना यार, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। ठीक है ये लो, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ यहीं पर रुकती हूँ, तुम जल्दी आना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। ठीक है। नंदू वो रमेश जैसा लग रहा है ना? रमेश जैसा नहीं, वही है। इतनी जल्दी वो यहाँ पर कैसे आ गया? और उसके साथ है कौन? शायद उसकी माँ होगी। जरा देखो तो, कोई माँ ऐसी ड्रेस पहनती है क्या? और नहीं तो क्या। देखो नंदिनी, वो उसने हमसे झूठ बोला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। देखो वो तो यहाँ लड़की के साथ मजे कर रहा है। ये कौन है तुम्हें पता है क्या? ये हर दिन कपड़े की तरह लड़कियाँ बदलता रहता है। पता नहीं ये कौन सी वाली है, इसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं है। नंदिनी आज तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया इसे। इतना बिगड़ गया है क्या वो? बिगड़ गया क्या होता है, ये बचपन से ही बिगड़ा हुआ है। एक तरफ इसकी माँ है कि अच्छी बहू घर पर आ जाए, इसके लिए बेचारी मन्नत मांगती रहती है, और ये लड़कियों के साथ गुलछरे उड़ाता रहता है। बहुत बिगड़ गया ये। अगर ये तुम्हारे पास आए ना तो इसे अवॉइड कर देना। अगर तुम इसकी बाइक पर बैठी तो तुम्हारा ही नाम खराब होगा, इसलिए इसकी बाइक पर तुम बैठना ही मत, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, खबरदार। नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी। गुड गर्ल, तो ठीक है मैं जाता हूँ, गाड़ी बाद में वापस कर दूंगा। ओके बाय। रमेश तूने चोर को मेरा फ्रेंड बनाकर 2000 का नुकसान कराया था ना, आज मैंने तेरे कैरेक्टर का ही लड़की के हाथों दी एंड करवा दिया है। थैंक यू, बाय। तेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियों को मैंने देखा है। चल मेरा पर्स दे। पर्स? सॉरी। hey, अगर कोई तुझे ड्रॉप करे तो तू उसका पॉकेट मारती है। मुझे कौन कुछ है तू? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारा काम सुरेश से करने के लिए बोला था। क्या सुरेश? हाँ, वही तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे साथ बाइक पर बैठने का 1000 रुपए दिया था। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा करोगी? कंप्लेन मत करना, तुम्हें बहुत तकलीफ हो। हाय नंदू। हे इतनी जल्दी आ गए? हाँ काम हो गया तो जल्दी आ गया। ऐसी बात है, हम लोग चलते हैं। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट? हाँ। कहाँ गया हेलमेट? तुमने मुझे कहाँ दिया था? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसीलिए कहते हैं गाड़ी किसी को देनी नहीं चाहिए। कहाँ है मेरा हेलमेट, कहाँ छोड़ दिया तुमने? पता नहीं। देखो मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए। तुम लोग? अरे अभी तो आया था और इतनी जल्दी भूल गया क्या? क्या मैं आया था? लड़की बाजू में इसके लिए इतना नाटक कर रहा है, जहाँ जाएगा वहाँ अपना सामान छोड़ के आएगा तो कैसे चलेगा तेरा? ये ले तेरा पर्स। ये तुम्हारा है? नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। चल जाने दे, पर्स तेरा नहीं है। और ये हेलमेट, ये तो तेरा ही है ना? ये मेरा हेलमेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? इस शरीफ लौंडे से पूछ। मुझे नहीं पता नंदू तुम्हारे पास कहाँ से आया। हेलमेट के बगैर गाड़ी नहीं चलाते राजा, सेफ नहीं होता। अरे मुझे मत सिखाओ, तुम जाओ यहाँ से। अरे राजा इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, हेलमेट दिया कुछ देगा नहीं क्या? चलती हूँ मैं, गिरा ना। नंदू मैं इनको नहीं जानता। तुमसे अच्छा तो वो रमेश है, कम से कम वो लड़कियों के साथ रहता है, और तुम? छी, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ नंदू। तुम्हें जाने भी ना तुम्हारे पास आए थे क्या? चलो दूर रहो, दूर हटो। उसे तो लड़कियों की आदत है और इसे आदमियों की आदत है, पता नहीं मुझे कैसे दोस्त मिले। ए चलो यार। नंदिनी मेरी बात सुनो नंदिनी, मैं वैसा नहीं हूँ। दूर हटो। यकीन करो तुम, मैं सच कह रहा हूँ नंदिनी। नंदिनी मेरी बात सुनो, सुनो प्लीज नंदिनी। जैसे कुछ ऐसा मिलता है इस दुनिया में मेरे यारा। सुरेश बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाते पगले। तो ये इसकी चाल थी। शिट। हाँ।
हेलो जी, आप कहाँ हैं? मैं शंकर के ऑफिस में बैठा हूँ। अरे उसका उधार चुका दिया कि नहीं? ठीक है, चुका देता हूँ। ए, बाद में बात करता हूँ, फोन रखो। ए स्वामी, अच्छे से सुन ले, पगार के पैसा से मौज मस्ती नहीं करने का और उधार बाकी नहीं रखने का। ए, सारे पैसे एक जैसे होते हैं, तुम भी ना। तेरी बदकिस्मती, चल खेल। मेरे हजार। हो गया ना, और क्या चाहिए यार? एक अच्छा सा पत्ता डालना। अब और कौन सा अच्छा पत्ता चाहिए? तुम्हारी वजह से एक भी पत्ता अच्छा नहीं आया। अरे खेलो ना। वाह, क्या पत्ता मिला है, मैंने खेलने से भी मना किया था। खाली हो गया क्या रंगा स्वामी? हाँ, तुम लोगों ने सब खाली कर दिया तो फिर घर पे जाना। हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, सब के सब चीटर हो तुम लोग। सारे पैसे तो यहाँ पर हार गया, होम मिनिस्टर को क्या जवाब दूंगा मैं? सुनो बेटी, मुझे सुनने की और सुनाने की आदत नहीं है। मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। पैसा ले लिया और चुकाने की औकात नहीं है। अपना पैसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं लूंगा। मेरा पैसा दो। आंटी क्या हुआ? आंटी जी क्या हो गया? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? बात क्या है? अरे यार, पैसा लेने के बाद आज देता हूँ कल देता हूँ ऐसा करके चकमा दे रहा है मुझे। और इससे पूछा तो कहती है ब्याज समझ पति के हाथ भिजवा दिए, और आज देखा तो आता पता नहीं है। और इनसे पूछा तो सभी लोग मिलकर नाटक कर रहे हैं। अरे कम से कम इन लोगों को मेरे बारे में समझाओ, मेरा दिमाग खराब हो गया था, तुम जानते हो ना क्या करूंगा। अच्छा ऐसा, वो पैसा तुम्हारा था क्या? कल मुझे एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए वो पैसे कल मैंने अंकल से मांग लिए थे। तुमको वो पैसे मैं चुका दूंगा, तुम इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो। अबे सुन, मेरी बात भी उन्हें बताना। कौन सी बात? यही कि आधा पैसा मैंने लिया। अच्छा, तूने भी लिया था? लिया था क्या भाई? आधा पैसा देने की गारंटी मेरी है, बाकी आधे की गारंटी मेरी। इसका मतलब आधा तुम दोगे और आधा तुम दोगे? हजार है ना? लाख है, कुल मिला के 3,00,000 रुपए। ऑफिस में पहुंचा देना। आंटी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। अपना मुंह बंद करो। इस बात के लिए वो हमारे घर आकर सबके सामने हमारी इज्जत की नीलामी करके चले गए। लेकिन आंटी एक्चुअली वो अंकल। अपना मुंह बंद करो, आए बड़ा होशियारी करने। अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर पैसे लाया था, वो जबरदस्ती लेकर चले गए तुम लोग। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं, ऐसा तुम लोगों ने कसम दी थी, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। तुम दोनों को मैं अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन तुमने ये सिला दिया। आगे से अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, मेरे घर की चौखट पर कदम भी मत रखना। सुनिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए। अंकल, कल 3,00,000 रुपए लेकर आना। इस मामले को सुलझाने में कितनी तकलीफ उठाई है पता है तुम लोगों को? समझ लो, पूरी लाइफ में पहली बार इतनी बेइज्जती हुई है मेरी। सुनो नंदू, नंदू प्लीज, बात नंदू, नंदू सुनो, नंदू अरे सुनो प्लीज, नंदू नंदू। हेलो। हेलो नंदिनी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। कितना फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही हो मेरा। रॉन्ग नंबर। नंदू प्लीज, किसका फोन था? फिर पता है मैंने क्या कहा? तुम्हारा फ्रेंड नंदिनी। ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती, चलो यहाँ से। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? चलो ये बात मैं उसी दिन आपको बताने वाला था, लेकिन आपने खुद ही मुझसे कहा था कि आप सोच समझ कर अपना फैसला बताइएगा, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी की शादी आपसे करवाने में कोई एतराज नहीं है।
छोड़ दिया, ये कैसा सिला दिया प्यार का, मुझे जीते जी तूने मार दिया। तूने ना की है वफा, 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 तूने। तो इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, थोड़ी सी ड्रिंक पिला के मुझसे कॉम्प्रोमाइज कराने की सोच रहे हो? हाँ, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करने वाला हूँ। ए, रुकना, तुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बुलाया। हाँ। तेरे लिए एक सरप्राइज है, यहाँ आके बैठ। क्या बात है, बताओ। ये क्या है? शादी का इन्विटेशन। किसका है? नंदिनी का। उसकी शादी फिक्स हो गई है और उसके पिताजी ने ये लेटर दिया है कार्ड छपवाने के लिए। मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होती है। अभी तक तो ये उछल रहा था, अब तू उछल रहा है। अगर तुम दोनों आपस में ऐसे लड़ते रहे तो नंदिनी को कोई और लेके जाएगा, वो तो शादी के बाद अपने बच्चों के साथ खुश रहेगी। सुनो, अभी भी वक्त है। नंदिनी, तुम दोनों में से किसे मिलनी चाहिए अभी डिसाइड कर लो, नहीं तो तुम दोनों उसे भूल जाओ और यहाँ बैठ कर आराम से दारू पियो। मैं चला। पागल बन के। नंदिनी किसी तीसरे की नहीं होनी चाहिए। नंदिनी को लेके हम दोनों के बीच में जो जंग हो रही है उसका फायदा कोई और उठा रहा है। करेक्ट, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तू जाकर मार। नहीं, मेरी जगह लेकर तू जाके मार। तू जाकर मार, तू जाके मार, तू जाके मार। हम दोनों मिलके मारेंगे और उसके लिए एक वेटर चाहिए, पहले इसे मारते हैं। ठीक है। नो नो नो, डोंट टच।
मैं ईमानदार हूँ। ये सारा अकेले मत खत्म कर जाना, हम भी साथ में आके पीते हैं। अरे ये तो बॉडीगार्ड लेकर आ रहा है यार। बॉडी तो हमारे पास भी है, हम दिखाते हैं क्या? अबे सिर्फ तेरे पास है, मेरे पास नहीं है यार। कौन हो तुम लोग? हम नंदिनी के लिए आए हैं। नंदिनी के कौन लगते हो तुम लोग? लवर्स। क्या कहा? लवर्स। देखो बॉस, तुम्हारा लेवल बहुत बड़ा है और हम छोटे लेवल के हैं, और नंदिनी मीडियम लेवल की है, और हमारा प्यार आपसे भी बड़े लेवल का है। हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हम 3 साल से उससे प्यार करते हैं और आप ऐसे 3 घंटे में लड़की को लेकर निकल जाएंगे और हम देखते रहेंगे क्या? नंदिनी को मैं अपने दिल से चाहता हूँ। हाँ, अगर कोई हमारे बीच में आया ना तो मैं उसे चीर दूंगा, ठीक है ना? हाँ। तुम दोनों में से नंदिनी से कौन प्यार करता है? मैं। तुम दोनों प्यार करते हो क्या? वो हमारा पर्सनल मैटर है, तू बीच में मत आ। देखो बॉस, प्रिंटिंग के लिए जितने भी कार्ड दिए ना, वो सारे कार्ड कैंसिल कर दो। और हम उसी समय, बल्कि उसी पल में तुम्हारी शोक सभा का कार्ड प्रिंट करवा देंगे, समझ गया ना? गार्ड्स। तुझे क्या लगता है हम यहाँ अकेले आए हैं? हमारे लोग बाहर 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 इंतजार कर रहे हैं। बस एक मिस कॉल पे तेरी चटनी बना देंगे, मसल देंगे, समझ गया ना? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। इन दोनों के लिए जूस लाइए। यस सर। सुनो बॉस, हम जूस पी के या मीठी बातें करके बाटली में नहीं उतरने वाले। किसी भी हाल में हम ये शादी होने ही नहीं देंगे। आइए, अरे जल्दी जल्दी बांधो, जल्दी करो। हाँ आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, अंदर आइए आइए आइए, आप भी आइए आइए, नमस्ते आइए। अरे रमेश सुरेश, इतना लेट क्यों आ रहे हो भाई? तुम्हारी फ्रेंड की शादी है, तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था। चलो इसको जल्दी से उठाओ और लड़के वालों को देकर आओ। अरे हाँ, तुम देख क्या रहे हो? जल्दी उठाओ, लेकर जाओ वहाँ पर, जल्दी करो भाई, देर हो रही है। ओ आइए 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 आइए। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या है भाई, नंदिनी को मंगलसूत्र पहनाने के बजाय यहाँ कुली का काम कर रहा है तू? प्यार करने के लायक ही नहीं। ये दुल्हन का लवर है क्या? अरे बाप रे, लव स्टोरी में बहुत झोल है। अरे पर मुझे ऐसे क्या है, मुझे माल मिल जाए बहुत है। ला 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 ला। भाई आज शादी में तो धूम मचाएंगे, मजे करेंगे। हाँ ये क्या है यार, नंदिनी से शादी करके हमको दावत देने वाला था तू, यहाँ तू खुद दावत में आया। ये इस जन्म में आया, बस का कुछ नहीं है, तू कभी नहीं सुधरेगा। ये भी उसी दुल्हन का लवर है, कोशिश करना तो मैं भी लवर बनता। ला 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 ला। ए नंदिनी, शादी के मंडप में सुरेश और रमेश मिलकर सारा काम कर रहे हैं, उन बिचारों से मिलकर एक बार बात तो कर लो। हे रमेश। हाय पूजा। मैंने जो बात सुनी वो सच है क्या? जिस लड़की की शादी हो रही है उससे तुम प्यार करते थे, ये भी चली गई। तुम जैसा लेट लतीफ मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। हाय। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। ओ, एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलो। लड़कियाँ ना अपने घर में रहती हैं, चाहे कितने साल भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन तुम्हारी तरह गुस्से में आकर किसी लंगूर से शादी नहीं करती हैं। या 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 या। ये लो केला खिलाओ इसे। नाइस नाइस। चुराया हो माल हो या लड़की को दिया हो दिल हो, एक बार खो दिया तो वापस नहीं मिलता है। ला 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 ला। दोबारा को सर जी, अपनी लड़की की शादी तुम उस वाइन शॉप वाले लड़के से कराना चाहते थे ना, फिर रिश्ता टूट क्यों गया? वो टूटा नहीं है, मैंने तोड़ दिया है। उसकी वाइन शॉप थी,
इसकी मिनरल वाटर की फैक्ट्री है। कुछ भी हो दारू में पानी मिलाया जाता है, इसीलिए मैंने दारू छोड़ी और पानी पी लिया। समझ गए? बहुत खुशी हुई तुम यहाँ पर आए। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? खाना खा रहे हैं। जाओ जाओ तुम भी खाओ। ओहो पधारिए पधारिए। हाय सुरेश। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे लड़के के पिताजी मेरे पिताजी के पुराने दोस्त हैं। वैसे मैंने सुना था आज जिस लड़की की शादी होने वाली है उस लड़की से तुम प्यार करते थे। अगर तुम बोलो तो मैं अभी भी रेडी हूँ, पैकेज के लिए भी ओके और मैरिज के लिए भी। देखो मैं एक लवर हूँ, कोई लोफर नहीं हूँ। लड़कियों के लिए सुंदरता ही उनका गहना है और चोरों के लिए गहने ही उनका जीवन है। दामाद जी स्वागत है। हाँ पंडित जी, दामाद जी आ गए, अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए कीजिए। ससुर जी क्या बात है बोलिए। कल मेरे ऑफिस में आकर जिन दो लोगों ने लफड़ा किया था वो लोग यही हॉल में घूम रहे हैं। ये बात है जी। वो लोग कौन है मुझे बताइए, मैं उनको चीर कर रख दूंगा। अरे आप जैसे महान इंसान को उन लोगों ने परेशान किया, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपका गौरव क्या है, आपकी योग्यता क्या है? उन लोगों ने नालायक है वो, नालायक कहीं का। बेटी से शादी करने की योग्यता है क्या उसमें? मेरा दामाद बनने की औकात है क्या विजय मित्तल की? 40 साल से मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ, एक छोटा सा घर नहीं बना पाया मैं, और 4 साल में ये 400 करोड़ का मालिक बन गया। कैसे? किसी का घर उजाड़ कर, किसी की प्रॉपर्टी हत्या कर। ये लो पर विजय मित्तल। ये मैंने नहीं बोला है, विश्वास करो मैंने नहीं बोला। मैंने अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर पैसे लाए और जुए में हार गया। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरा दामाद बनोगे तो बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी से प्यार है, हमारा लेना देना कुछ नहीं है बाबा। ना लाए बाप रे, इतना विश्वास करो, मैंने ये सब नहीं बोला है। मुझे पता नहीं कैसे दिख रहा है, मेरा विश्वास करो दामाद जी। क्या बात करूं, मैं मजबूर हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेटी की शादी। ये सब क्या हो रहा है, मुझे मेरी समझ नहीं आ रही, ये बंद करो। इसलिए मैंने ये प्लान किया है, पहले मैं कन्यादान करके अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, उसके बाद उस पर केस करूंगा कि उसकी मर्दानगी नहीं है, उसकी इज्जत उतारूंगा। उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी आधी आधी संपत्ति मुझे देने को मजबूर हो जाएगा। लो पर क्या है, क्या देखता हूँ क्या कर लेता है। अरे दामाद जी ये सब कैसे हो गया मुझे पता नहीं, ये सब मत सुनिए आप, मेरी बात मानिए, भगवान कसम ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब ग्राफिक्स है। मंगलसूत्र पहनाने वाले हाथों को गोली चलाने पे मजबूर मत करो, चाहो तो अभी तुम्हारा भेजा खाली कर सकता हूँ। पैसे की खातिर मेरी जिंदगी के साथ तुमने अपनी बेटी की जिंदगी भी दांव पे लगा दी, कितना नीच आदमी है तू। नंदिनी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा बाप हम दोनों को कभी चैन से नहीं जीने देगा। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिकॉज आई लव यू टू मच, बट योर डैड। खबरदार पापा। अंकल नंदिनी, बेटी नंदिनी। अंकल अगर आप कहें तो मैं नंदिनी से शादी करने को तैयार हूँ। अंकल आंटी नंदिनी से शादी करने के लिए मैं रेडी हूँ आंटी। अंकल मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। अंकल आंटी मैं नंदिनी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। मैं उसे रानी बनाकर रखूंगा। अंकल मैं उसे एक महारानी की तरह रखूंगा। शादी की बातें करो, पहले दुल्हन का हाल क्या है वो देखो, जाओ देखो। नंदिनी। अबे तू कौन है, क्या कर रहा है यहाँ पर? नंदिनी कहाँ है? नंदिनी वो वहाँ गई है। वहाँ नंदिनी मिल गया।
अरे इसको कहाँ पहना जाता है? नंदिनी क्या? नंदिनी अच्छा है मैंने इसे कहीं पर देखा है। मुझे क्या? अभी तो देखकर गए थे ना। ला 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 ला। ये वही है, वही है जिसने नंदिनी का पर्स चुराया था। इसकी तो क्या है? अरे बापे, अरे सुरेश देख रहा है दुल्हन ने जो जेवर पहने थे सब इसके बदन में कहाँ से आ गए? मैं ना एक सेफ्टी लॉकर की तरह हूँ, कहीं किसी का माल गुम ना हो जाए सोचकर सबका माल अपने पास रखा है। अच्छा, एक काम कर, ये सारे जेवर सबको वापस कर। सर हटिए सर, इसको जो देना है तो हम देंगे। हाथ छोड़ दे उसका, हाथ छोड़ उसका। नंदिनी तुम जाओ यहाँ से। नंदो तुम जाओ। मुझे हाथ लगाए तो टांगे तोड़ दूंगा। एक बात बताऊं क्या, तुझे मारने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। करेक्ट, ये काम तो हमने सोचा था लेकिन तूने आके आसानी से ये शादी रुकवा दी। थैंक यू सो मच यार। अगर आज के बाद तू नंदिनी के पास भी दिखाई दिया तो मार मार के तेरा भुर्ता बना दूंगा। मुझसे पंगा लिया ना तो नंगा कर दूंगा दोनों को। ठीक है भाई, हम तेरे रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन एक कंडीशन है। अगर वहाँ कोई घंटी बजाएगा ना तो हम यहाँ तेरी घंटी बजाएंगे। समझ गया ना? इस बात की तो गारंटी है। प्यारे हनुमान जी, मैंने जो काम सोचा था वो काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारी चौखट पर आकर 100 बार घंटी बजाने की मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। इसीलिए मैं आज यहाँ मंदिर में अभी और इसी बात 100 बार घंटी बजाकर अपना प्रण पूरा करता हूँ। हनुमान जी जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, अरे छोड़ मुझे, मरवा क्या? अरे नहीं, क्या कर रहे हो? घंटी निकाल रहे हैं हनुमान जी, मेरी मन्नत पूरी करना। 62 बजे बोली लगता है घंटी निकाल के ही रहेगा। अरे गेंडे, मुझे अपना प्रण पूरा करना है, छोड़ मेरे पीछे पड़ गए हैं बजरंगबली, बचाओ इससे। अरे बजरंगबली, है बजरंगबली, प्यासे। अरे परवाह क्या यार, तूने भी बोलिया कितना बजाया था। कौन चाहिए, कौन चाहिए? जरा पीछे देख। ए रुक, तेरी वजह से पड़ रही है मुझे। अरे बजरी बोली, मैं तो पूरी गिनती भूल गई, घंटे के चक्कर में फिर से बजाता हूँ। अरे घंटा नहीं बज रहा, मत मारो। अरे फिर बजाने लगा। अरे रुक जा, अरे क्या कर
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 इतना काफी है या और चाहिए? बस करो भाई, मैं तुम लोगों से कभी पंगा नहीं लूंगा और नंदिनी को अपनी बहन बना लूंगा। अगर दोबारा तू इस तरफ आया ना तो तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा, समझ गया? जान आंटी बहन से बजाऊंगा। नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है यार, कहाँ चली गई? चली गई अंकल। नंदिनी कहाँ है अंकल? अंकल नंदिनी, मैंने जब दामाद जी को गाली दी थी तब तुमने कैसे रिकॉर्ड किया था, बताओ जल्दी। वो क्या है कि हमने आपको पैसे दिए हैं, उसका एक रिकॉर्ड रहे, इसलिए हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसे यहाँ क्यों चला है नालायक? अंकल वो जो साउंड वाला था ना, उसके पास कोई अच्छा गाना नहीं था प्ले करने के लिए, तो उसने मेरे से मेरा फोन मांगा और मैंने उसे दे दिया, और गाना प्ले होते समय ये भी गलती से प्ले हो गया अंकल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। देख लिया ना जज साहब इनके कारनामे को, कोर्ट में सारे लोग हंस रहे हैं, मेरी बेइज्जती आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? ये दोनों गुनहगार हैं जज साहब। 50 लाख रुपए में 10 लाख रुपए और जोड़कर टोटल 60 लाख रुपए मुआवजा दिलाइए मुझे, जो इज्जत चली गई किसी तरह वापस आ जाएगी। आपने अपने पक्ष के लिए वकील भी रखा है और उससे ज्यादा खुद लड़ रहे हो, और भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। और कुछ नहीं कहना जज साहब, मुझे पैसे दिला दीजिए, मैं सीधे घर चला जाऊंगा। देखा जाए तो इन लड़कों ने आपकी इज्जत बचाई है और आपने अपने पैसे के लिए इन बेचारे लड़कों पर मानहानि का केस कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है तो अपने खुद के पैसे को खर्च करो, उसके मुताबिक आईपीसी सेक्शन बिना किसी वजह के दाखिल किए गए आपके इस केस से इन दोनों लड़कों की हमेशा के लिए जिंदगी खराब हो सकती थी। आप सभी लोगों का और इस न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया है, इसलिए ये कोर्ट रंगा स्वामी को 10,000 का जुर्माना सुनाती है और साथ साथ चेतावनी भी देती है। वैसे बेटा तुम लोग अपनी जिंदगी में इसी तरह कंपटीशन करते रहोगे या फिर उस लड़की के पास जाकर अपने प्यार का इजहार भी करोगे, क्या करने वाले हो? तुम जैसे लड़के एक लड़की के प्यार को अपने अंदर दबाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कल वो लड़की शादी करके अपना जीवन खुशी से बिताएगी और तुम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो बेटा। जिससे तुम प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करती है या नहीं, इसका फैसला वो लड़की खुद करेगी। सो दिस केस इज ओवर, तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सॉरी सॉरी सॉरी। हर मुर्गी का अंडा मुर्गी बनने की चाहत रखता है, लेकिन कुछ अंडे ऑमलेट बन जाते हैं। मैं भी देखता हूँ, इन लोगों को सबक सिखाऊंगा मैं। क्या बात है, अकेले के लिए बैठकर ऐसा क्या सोच रही हो? इसके बाद मैं MBA करूं या CA करूं, बस इसी बारे में सोच रही हूं। अरे यार वहां देखो तो रमेश और सुरेश तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, पहले उन दोनों में से तुम किससे प्यार करती हो ये डिसाइड करो। प्यार? ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक एडवाइस दूं, उन दोनों में से पहले आकर जो तुम्हें प्रपोज करता है उसी के प्यार को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि फर्स्ट लव इज ऑलवेज बेस्ट लव। दादी एक बुके देना। दादी मुझे भी एक बुके देना। तुम लोग हो क्या, प्रपोज करने के लिए जा रहे हो? हाँ दादी। बहुत संभल कर जाना, प्यार प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। उसके बाद पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कचहरी, सब कुछ झेलना पड़ता है। अगर मुझ बुढ़िया की बात सुनोगे तो जिंदगी भर सुख से रहोगे। दादी माँ हम कोर्ट से प्यार करने की परमिशन लेकर आए हैं। प्यार ना मिले ऐसा सोच के भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर ऐसी बात है तो भगवान तुम दोनों को एक अच्छी सी लड़की से मिला दे। सामान को लगाम दीजिए। हे भगवान, आजकल के लड़कों को कुछ अच्छा बोलना ही बेकार है। I love you, नंदिनी। अरे नंदिनी,
नंदू मारो मत, अरे देखो नंदू मारो मत, प्लीज क्या कर रही हो, देखो मत मारो, क्या कर रही हो, समझते क्या बोल रहे हो, अरे नंदनी नंदनी क्या कर रही हो, बात बताया नंदिनी, मैंने तुम्हें पहले आई लव यू बोला है। नंदिनी नंदिनी मैंने पहले तुम्हें आई लव यू बोला है। मैंने पहले आई लव यू बोला है। बस बहुत हो गया, इतना काफी नहीं है क्या? हर रोज मेरे पीछे घूमते थे लेकिन तुम लोगों ने मुझे बताया क्या? सुनो, मैं तुम दोनों को एक कंपटीशन दूंगी, उस कंपटीशन में जो जीतेगा मैं उसे ही चुनूंगी, ओके ना? मेरी तरफ से ओके, मेरी तरफ से डबल ओके। गो। से मेरे हट जा तू, हे हे ना ना, हे हे।